बोल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी तरफ से सब प्यार करो। ज्योति पप्पू को प्यार करो। अरे नहीं, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने अपनी दादी से। तो आज जो भी ब्लॉग है वो हमारी दादी पे और मामा जी पे, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ढेर सारा प्यार देना। तो चलो ब्लॉग में बने रहो। तो गाइस, हम लोग अपनी दादी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि उनकी एक एज भी हो गई है और अगर हम उनको टाइम नहीं देते तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और उनके साथ कॉमेडी भी करते हैं। वो अपने हमें हमारे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो दादी ते घंटा फीकी चाय ना तू मीठू नहीं पीन। मैं कहा ठीक है, तेरी समझ नहीं आ रहा ना तो रहने दे। अच्छा, अब फिर चले गए घर। मैं तो अलग रह रहा था, मैं नहीं आया उस रात। फिर दूसरी रात को आया और वहाँ एक दिन वो काम किए, कुछ लेडीज मिली मेरे को, मैं वहाँ भांग में लगी मेरे को मिल गए वहाँ जंगल में। तेरी घर वाली वो मेरे को पहचान गए, तेरी घर वाली ने हमारी नौकरी भी छुड़वा ली। ठीक हो गया डॉक्टर, एलर्जी तब से मैं ठीक हो। हाँ सुभाष माधर सुभाष जी सर, हाँ माँ तो फालिश पड़ गया ना, एक हाथ काम नहीं करूँ माँ, एक हाथ काम नहीं करूँ बोले। हाँ फालिश पड़ गया, काम भी ठीक नहीं है। होता मैं चल मेरी माँ ही क्यों नहीं आपको ऐसी है ना। फिर मैं से झूठ बोल रही है तो मैंने खेत ठेके में दे रखा था, अपने आप ठेके के पैसे ले लिए। मैंने नहीं लिए, जब मैंने ठेके वाले को बुलाया बोला अम्मा तू बोल तो मैं सब कुछ पैसे छोड़ दूंगा, तू झूठ मत बोल। हाँ बोला नहीं नहीं लिए है मैंने, उससे बोले लिए है मैंने। तो मैंने कहा तुम मेरे से क्यों झूठ बोल लिए, तूने लिए तो मैं तेरे को गोली मार रहा हूँ। ठीक है ले लिए तो कोई बात नहीं, मैं तो तुझे जमीन देने को भी तैयार था, मैं अभी भी बेचने को तैयार हूँ तेरे खातिर, तू बोल तो सही। मैंने कहा एक मिनट के लिए चल, मैं अपने हिस्से की बेच रहा हूँ तेरे इलाज के लिए, तू तैयार तो हो। नहीं 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 नहीं, अब झूठ बोल लिया से मैंने पैसे लिए थे। वो कह रहा अम्मा बोला माँ तूने मेरे से नहीं लिए तो तू एक बार के लिए बोल दे कि मैंने नहीं लिए तो मैं तेरे खेत छोड़ दूंगा। मैंने मैंने लिए हैं तो तू मेरे से क्यों झूठ बोल लिया है, मैंने देख लिया पप्पू वो प्यार करती है। ऐसा प्यार कर क्या करना है, क्यों यार मामी मामी तो कह रही है मामा का मैं ख्याल रखती हूँ ये वो है मामा। अरे हम तो तभी काम है यार दूर रह के भी। तो आपको कितना टाइम हुआ मामा जी अलग हुए, कितना टाइम हुआ मामी से दूर रह गए? हाँ मेरे को डेढ़ दो साल हो गए। डेढ़ दो साल, बाप रे बाप। मैं लग रहा था हो रही है ड्यूटी के लिए एलर्जी हो रही है। अरे यार तो ड्यूटी तो मुझे 12 घंटे करनी है यार पप्पू, भांग मरने के लिए भले मैं ऐसे टाइम पास तो मामा चले जाता हूँ। मामी को क्या पता लगेगी सूरती तभी आएगी फूर्ती, जब लगेगी सूरती तभी तो आएगी फूर्ती। तो मैं कोई यार ऐसी एलर्जी रहती थी, मैं ले कंपनी के हर लड़क में दवाई लेके आता था। वो यार लम्बू लम्बू कह रहे थे ना, वो लम्बू एलर्जी है यार लम्बा एलर्जी, कोई कुछ ला रहा है कोई कुछ दवाई ला रहा है मेरे लिए।
तो मामी मैंने कंपनी भी इसलिए छोड़ी, मैंने कहा यहाँ गर्म काम है। तो मामी भी तो आपका ख्याल रखती थी। कौन आया काम? पति। फिर लास्ट में कोई जाता मामा, काम अपना ही काम आता है। और फिर अब पता लग रहा है ना, मतलब भाड़ा मुड़ा था जी हीरो भाड़ा कहाँ आते। मैं उस दिन भी नहीं गया जब उसे चंडीगढ़ से मैंने घर भेज दिया ना, मैं उस दिन भी नहीं गया। मैंने उसको गाड़ी में भेज दिया जहाँ मैंने कहा वह ठीक ही चल रही थी। फिर रात को उसकी हालत ख़राब हो गई, फिर मुझे तुरंत फ़ोन आ गया। चल फिर आप बुक कर, गाड़ी बुक करी आपने रात रात। हाँ मैं तो पहली रात को जब मैंने उसे चंडीगढ़ से भेज दिया, मैं मेरे फोन में पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे यार, मैं कहाँ से वो पैसे भरा करने को पैसे नहीं तो जैसे मकान मालिक पाँच ऐसे टाइम पर दे देता है ना, वैसे मैं बोलूँगा मुझे खराब जो तो नहीं देगा। उसे पता है एलर्जी है लम्बू को नहीं देना ही है, ऐसे दे देता था। लेकिन उसे पता है इसकी तबीयत खराब है, दवाई ले रखी है, इसकी शराब नहीं देंगे। तो जब मैंने सब लोग ने मुझे झट से मान शुरू कर दिया, मैं एकदम से नाला लग गया, वहाँ से उसको रेफर कर दिया चंडीगढ़। चल मैंने कहा चंडीगढ़ से इना दिखा चंडीगढ़ गए वहाँ। हेलो बोला, हेलो 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 गाइस, हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो भाई नहीं, हेलो गाइस भाई जी, गाइस गाइस हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो क्या, हेलो गाइस, हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो इनकरिंग किसे, हेलो भाई, हेलो हेलो भाई, हेलो बोलो, हेलो भाई, दादी दादी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के दादी को दीपा बोल, दादी अच्छा बोल, दादी सब्सक्राइब करो, बोल दादी को ना बोल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी तरफ से सब प्यार करो। ज्योति दीपा को डायरेक्ट, ज्योति पप्पू को प्यार करो। अरे नहीं इन बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, किराया सब्सक्राइब करो। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और आपको हमारी दादी की कॉमेडी कैसी लगी और मामा जी की बातें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।